पहाड़ी के मंदिर पे अभी हम पहुंचे हैं, बिरला मंदिर। ये उसका नीचे का व्यू है और अब हम एंट्री करने वाले हैं। तो अब बिरला मंदिर में हम अंदर पहुंच गए हैं। ये देखिए शिखर मैंने आपको दिखा दिया, दर्शन करा दिया है। ये लक्ष्मी नारायण जी का बिरला मंदिर है जयपुर में, जो कि बहुत ही लग्जरी और वैसे बना हुआ है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बाकी आते सभी हैं बट फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए अब हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, लगभग परिसर में घुस चुके हैं। मेन मंदिर में मुझे नहीं पता वीडियो बनाना होगा कि नहीं अलाउ, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको दर्शन करा पाऊँगी कि नहीं, बट बाहर परिसर से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, दर्शन करा देती हूँ। आप यहाँ से भी लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम कर सकते हैं और ये व्यू देख सकते हैं मंदिर का, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। बिरला मंदिर तो अक्सर खूबसूरत ही होते हैं, ये तो सभी को पता है, जितने भी बिरला मंदिर हैं सब बहुत खूबसूरत ही हैं। ये बाहर मंदिर से सड़क का व्यू जहाँ से हम आए थे, ये पूरा मंदिर परिसर है। ये देखिए ये फॉरेनर्स की भीड़ आप देखिए यहाँ पे, मतलब आपको जितने इंडियंस नहीं दिखेंगे ना, उससे कहीं 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 गुना ज़्यादा फॉरेनर्स आपको दिखेंगे। और अब मैं यहाँ पे बिरला मंदिर के पास मोती डूंगरी करके ये मंदिर है वॉकेबल डिस्टेंस पे, यहाँ पे आई हूँ दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बालाजी, गणपति जी, माता रानी, राधे कृष्ण जी विराजमान हैं। और इसके साथ ही अब मेरी पूरे दिन की जर्नी ख़त्म हो जाएगी जयपुर की, और मैं वापस रवाना हो जाऊंगी यहाँ के दर्शनों के बाद। आप भी दर्शन कर लीजिए और अब इस जर्नी को हमें विराम देना होगा। और अब मैं जयपुर से निकल चुकी हूँ। ये देखिए डेकोरेशन जयपुर की रात में, लाइटिंग्स, ये फ्लाईओवर की लाइटिंग्स हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। वाकई में जयपुर रात में भी खूबसूरत लगता है। सो टाटा, गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर टिल देन।